राजधानी के सर्कुलर रोड को महली ढली बाईपास से जोड़ने वाली छोटा शिमला शनान सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू हो गया है। 1.6 करोड़ से इस सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और सड़क काफी तंग है। इस सड़क के चौड़ा होने से छोटा शिमला से सफर आसान होगा। 3 चरण में इस सड़क को चौड़ा करने का कार्य होगा। महापौर सुरेंद्र चौहान व उप महापौर उमा कौशल ने अधिकारियों के साथ शनान से छोटा शिमला सड़क को चौड़ा करने के कार्य का जायजा लिया, साथ ही इस कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि सड़क काफी तंग थी और इस सड़क को चौड़ा करने की मांग की जा रही थी और इसका कार्य शुरू कर दिया है। इस सड़क से 4 वार्डो के लोगों को काफी फायदा होगा। लोगों को संजौली भट्टा कुफर से होकर आना पड़ता था और लोगों को आए दिन जाम से भी जूझना पड़ता था, वहीं सड़क के चौड़ा होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। देखिए, ये जो वो एरिया है इसमें हम 4 वार्ड्स के लोग, बड़ा सबको फायदा होगा। इसमें छोटा शिमला है, बेनमोर है, मल्याना है और सांगटी है। सिमिट्री तक अप टू ढली भट्टा कोफर तक के लोग इसमें वाइडनिंग ऑफ रोड्स का हमने काम किया था। इसमें SGM एजेंसी ने हमारी मदद की है और उनकी तरफ से हमको पैसा भी मिल रहा है और उसका टेंडर वर्क हमारा शुरू हुआ है और लगभग 1 हफ्ता हो गया उसको काम करने को। जहाँ आज उसी संदर्भ में मैं माननीय महापौर और मैम सारे पार्षद मेरे साथ जो इलाके के हमारे साथ 4 वार्डों के पढ़ते हैं तो उनको उनके साथ मैं यहाँ इंस्पेक्शन था। हमारे साथ सारे ऑफिशियल अधिकारी भी आए थे कि रोड कहाँ कहाँ चौड़ा हो सकता है और कहाँ कहाँ हमारे डंगे लग सकते हैं और रोड की वाइडनिंग क्या, क्योंकि अगर ये रोड वाइडनिंग का इसका प्रॉपरली हो जाएगा, इसका 3 फेज में हमारा काम होना है। अभी स्नान से लेकर ऊपर धोबी घाट तक का एरिया है, उसके बाद 2nd फेज है, फिर 3rd फेज है। तो ये जो रोड है, मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट रोड है क्योंकि जितने भी हज़ारों लोगों को इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि ना केवल इसमें जब रोड वाइडनिंग हो और डीकंजेशन ऑफ ट्रैफिक जो शिमला में है, संजौली और छोटा शिमला के बीच जो हमेशा जाम लगा रहता है, ये जो रोड बनेगा तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा और ये शॉर्टकट रहेगा जो अप टू भट्टा कोफर तक जिसने जाना है, छोटा शिमला, मल्याना, स्नान और ये जो महली पंथा घाटी का एरिया, सारा हज़ारों लोग जिसमें इस रोड को यूज़ कर सकते हैं। जब इसका प्रॉपरली वाइडनिंग होगी तो हम इसको काफ़ी लोगों को। बजट कितना है इसका, कितना पैसा? अभी जो ये कार्य शुरू हो रहा है 1.2 करोड़ का काम है, जो 1.6 करोड़ का, 1.6 करोड़ का ही काम है जिसका कार्य प्रगति पर और काफ़ी तेज़ी से इस वर्क को कर रहे हैं। इसके अलावा SGMNL का एक हमारे पास एक रोड रास्ता का, उनका रोड जो है पक्की करने का है, उसका हमने टेंडर कर दिया 25 लाख की लागत से। उसको भी हम टायरिंग के कार्य को हम जल्द से जल्द शुरू करने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसको जल्द से जल्द हम इस साल के एंड तक, मैं चाहता हूँ कि हम एंड तक इस पॉइंट पे पहुँचे ताकि इस रोड का पूरी तरह यूटिलाइज किया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो।